नमस्कार रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम, जय भारत। सर ये बताइए कि अभी जो आज 88 सीटों पर मतदान हो रहा है, 3 बजे तक 55% बताया जा रहा है वोट, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये काफी है और ये पहले दौर के मुकाबले में बिल्कुल ठीक दिशा में बढ़ रही है वोटिंग? बिल्कुल ठीक दिशा में बढ़ रही। देखिए, पहले दौर में बीजेपी का कहीं कुछ नाम लेवा था नहीं। 102 सीटें थी, उसमें बीजेपी की कोई बहुत ज्यादा सीटें नहीं थी, पर उसमें भी बीजेपी को काफी बेनिफिट होगा, ये मैं आपसे आज बोल रहा हूँ। ये आपके सोशल मीडिया पे कुछ चलता रहे कि पहले दौर में ही साफ हो गया। 2014 में देखिए, तब भी सोशल मीडिया पे और जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसने हल्ला मचाया था कि पहले दौर में ही बीजेपी साफ हो गई, 180-190 सीटें आएगी, 283 सीटें आ गई। 2019 में चला है कि ठीक है, 220-230 सीटें आएंगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मोदी 303 ले आए। अभी फिर वही फर्स्ट राउंड के बाद फिर वही इनका वो राग चालू है, और इस बार मोदी 330 से ऊपर ले आएंगे, फिर क्या करेंगे ये? तो ये फर्स्ट राउंड में भी इनका बीजेपी का अच्छा हुआ, सेकंड राउंड तो ऑब्वियसली इतना जाना ही था। मेरे ख्याल से 60 से ऊपर जाएगा, और अगर 60 से ऊपर जाता परसेंटेज, जब बहुत ज्यादा मतदान होता है, तो इसका मतलब ये है कि लोग सरकार से त्रस्त हैं और इसको बदलना चाहते हैं, जैसा कि हमने 2014 में देखा था, और हाल ही में विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि लोगों ने बंपर मतदान किया था। तो लोकसभा में तो है नहीं, और लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे ही बिल्कुल अलग होते हैं। मेरे ग्राउंड से मैं रिपोर्ट ले रहा था सब जगह से, बिहार से और छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में तो मुझे लगता है कि 11 की 11 सीटें पूरी बीजेपी ले जाएगी। एमपी में 3 बजे तक करीबन 47% हुआ, 6 सीटों पे मतदान था, और शाम को मेरे ख्याल से 60% तक पहुंच जाएगा। 60% मतदान एक जो सरकार काम कर रही है ऑलरेडी, उसके लिए सुरक्षित मतदान है, उसमें सरकार को कहीं खतरा नहीं होता है। आपको सोशल मीडिया पे और जो यूट्यूबर्स हैं सो कॉल्ड लिब्रांडू, उनको चिल्लाने दीजिए, पर आएगा तो मोदी ही। पर सर ये जो आएगा तो मोदी ही है, लेकिन इसको लेकर ये भी लगने लगा है, पहले दौर में जिस तरह का वोट परसेंटेज कम रहा तो ये भी कहा जाने लगा कि जो बीजेपी के वोटर हैं वो कम से कम बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट है कि आएगा तो मोदी ही, इसलिए वो घर से बाहर ही नहीं निकले, तो ये बैकफायर भी कर गया ऐसा माना जा रहा है। आपको लगता है कि ये जो जुमला बार बार आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही, ये कहीं ना कहीं वोटरों को इस तरह से आश्वस्त कर देता है कि वोट डालने भले ही ना जाओ, आना तो मोदी नहीं है, इससे नुकसान भी होता है? नहीं, इस बार कई लोग लगे हुए हैं, कई क्षेत्रों से लोग लगे हुए हैं कि मतदान के लिए लोगों को निकाला जाए, तो ऐसा नहीं हुआ है। वो जो फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, वो मुस्लिम बहुल सीटें थी, और बीजेपी का उसमें कोई बहुत ज्यादा स्टेक था भी नहीं। अभी जो हुआ है, जो सेकंड फेज का मतदान, उसमें इसमें बीजेपी का स्टेक है, 60 से ऊपर की सीटें हैं, 88 सीटों में से 60 से ज्यादा सीटें बीजेपी की है, तो मतदान अच्छा हुआ है तो बीजेपी के तो आना ही है। और वोटर बिल्कुल गफलत में नहीं है, वो अटल बिहारी वाजपेयी के मामले में चोट खा चुका है, शाइनिंग इंडिया के मामले में चोट खा चुका है, तो अब वो ऐसी गलती नहीं करेगा। और आपके हमारे जैसे कई लोग जागृत करते रहे कि भाई सोना मत, नहीं तो मुगालते में रह जाओ, कि आप मोदी तो आएगा ही। पर आज जो 88 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें से आप कितनी सीटें बीजेपी को देकर चलते हैं? मैं मानता हूं कि 88 में से 65 के आसपास बीजेपी को आना चाहिए। और आज तो कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में भी वोटिंग थी, कहा जा रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में लोग घरों से बाहर निकले। उससे क्या फर्क पड़ता है, हिंदू भी बहुत ज्यादा तादाद में निकले हैं। अगर मुस्लिम निकले हैं तो आज हिंदू भी बहुत बड़ी तादाद में घरों से निकले हैं। सुबह सुबह काफी तेज वोटिंग हुई, आपने देखा होगा, 11 बजे तक 28% हो गई, फिर धूप तेज हुई तो फिर परसेंटेज डाउन हुआ था, तो हिंदू भी निकले, और अभी तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। कल सुबह तक स्थिति साफ होगी, पर 60% से ऊपर जाएगा ये निश्चित, और 60% में सरकार नहीं बदलती है, ये भी पक्की बात है। सर
पहले दौर के मतदान के बाद जिस तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र को का एक्सरे किया है पीएम मोदी ने, हिडन एजेंडा जो था उसको सबके सामने रखा, उसके बाद तो खलबली मच ही गई थी। और साथ ही साथ ये भी कहा जाने लगा कि अब देखिए ध्रुवीकरण पर उतर आई है बीजेपी। नहीं तो ध्रुवीकरण की शुरुआत किसने की थी? मैनिफेस्टो में सारी बातें तो ध्रुवीकरण वाली कांग्रेस ने करी थी, बीजेपी ने तो ध्रुवीकरण वाली कोई बात ही नहीं करी थी। वो तो विकास, देश की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, इसी पे बात कर रही थी। जब ध्रुवीकरण की बात होगी तो डेफिनेटली सामने वाले को भी फिर अपने खोल के बाहर तो आना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से पहली बार कोई प्रधानमंत्री है जो इतना खुलकर खेल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रधानमंत्री अभी तक बने हैं, वाजपेयी जी बने हैं और मोदी जी बने हैं, और बीजेपी भी इतना खुलकर हिंदू कार्ड कभी नहीं खेला है, चोरी छुपे खेलती रही है। लोगों को दिमाग में तो था कि हिंदू पार्टी है, पर अब ओपनली आ गई है। जब आप ओपनली कहते हो कि मुसलमानों की पार्टी है तो बीजेपी भी हिंदुओं की पार्टी है। आप मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि साहब आपका जो संपत्ति है उसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा, फिर उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आप हम जो मेहनत करते हैं, 18-18 घंटे जागते हैं, बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, वो इसलिए कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको कहते हैं, आपके हमारे दो दो तीन तीन बच्चे होते हैं, बाकी के तो एक एक दर्जन, एक के चार और चार के चार, तो 16 बच्चे तो वैसे ही हो गए। आप कैलकुलेशन कर लें कि जो पर कैपिटा इनकम है इस समय 1,72,000 है, महीने के 14,300 कमा रहा है हिंदुस्तानी। अब उसमें उसके दो बच्चों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसके पास ज्यादा होगा, और जो 10 बच्चे हैं उसके पास पैसे कम होंगे, तो जो 1,72,000 में से जो कमा रहा है वो भी निकाल के उसको दे दिया जाएगा, तो लोग तो भड़केंगे। और फिर मोदी जी तो किसी के भी शब्द लेने में माहिर हैं, उनको तो कोई कहे गाली दे तो वो उसको इस तरह से खेलते हैं कि सामने वाला डिफेंसिव मोड में आ जाता है। और कांग्रेस इस समय पूरी तरह डिफेंस मोड में है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। और उनका एजेंडा जाहिर हो गया है कि अमेरिका में बैठ के ही सारी प्लानिंग हो रही है। अमेरिका भी नहीं चाहता है कि मोदी जीत के आए, कम से कम जो बाइडन तो कतई नहीं चाहते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने आज जो जवाब दिया है, वहां से कहा था उन्होंने सीए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, तो आज हमारी एमईए ने जो जवाब दिया है वो किसी आज तक के इतिहास में किसी एमईए के एक्सपोर्ट ने ऐसा जवाब नहीं दिया है। पर सर अगर अमेरिका में बैठकर ये लोग तय कर रहे हैं, तो राहुल गांधी तो कितनी बार अमेरिका जाते हैं, वो जो सैम चाचा हैं, अंकल सैम, जो गंगाधर जिनका नाम हुआ करता था, उन्होंने तो इनके हिडन एजेंडे को और फ्रंट फुट पर ला दिया, तो दूसरे मणिशंकर बन गए अंकल सैम। नहीं तो अभी तो अंकल सेम आए, अभी तो मणिशंकर बाकी हैं, दिग्विजय बाकी हैं। आप 7 फेस के चुनाव हैं तो 7 फेस में कोई ना कोई तो निकल के आएगा, हर फेस में एक आदमी कोई आएगा जो इनकी वाट लगवाएगा। आप हर बार देखिए कोई ना कोई निकल के आता है। अभी 3-4 दिन पहले शायद आपने एक वीडियो देखा होगा, मणिशंकर अय्यर मारने को दौड़ रहे थे प्रेस रिपोर्टर को। वो कहीं ना कहीं अब वो भी बेचैन हो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं बोलने के लिए, जरूर बोलेंगे और बीजेपी का फायदा करेंगे। और सेम अंकल का भी असल में ये लग रहा था कि मैंने कितना अच्छा प्लान बनाया है तो क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, तो वो उनके मुंह से वो बात निकल गई और कांग्रेस उसको छुपा के रखना चाहती थी। इतना फर्क हो गया है सर। कहा अंकल सैम ने, हिडन एजेंडा घोषणा पत्र में है, और अब जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो पीएम मोदी को चिट्ठियां लिख रहे हैं कि मैं आपसे मिलकर आपको बताना चाहता हूं हमारे घोषणा पत्र में क्या है, आप गलत ना बोले। तो मुझे तो लगता है कि उनको बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से कर देनी चाहिए, सारा घोषणा पत्र फिर से पढ़कर सुना देना चाहिए। पीएम मोदी को गलत फहमी है, पूरे देश को गलत फहमी है, तो फिर बैठकर उसको क्लियर करना चाहिए ना एक झटके में। पीएम मोदी से मिलकर क्या करेंगे वो? वही मुझे नहीं समझ में आ रहा कि पीएम मोदी को क्यों समझाएंगे। वो तो आपके अपोनेंट है, वो तो आपके हर हर पॉइंट को क्रिटिसाइज करेंगे। आपको लगता है कि जनता भ्रमित हो रही है तो आप एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और क्लियर करिए कि पॉइंट वाइज पूरा क्लियर कर दीजिए कि ये पॉइंट्स है और इसको गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। ये करने के बजाय आप खाली प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह कर रहे हैं, इसका मतलब आपका एजेंडा था और आप एक्सपोज हो गए, तो आप
बचने की मुद्रा में है कि किसी भी तरह से ये इससे हम बच जाएं। सर कांग्रेस का तो अब पूरा इतिहास भी खुल गया है ना, कि 1963 या 64 में भी ऐसा ही कानून था, फिर 1975 के आसपास भी था, 1984 में भी ऐसा ही कानून था जिसको 1985 में राजीव गांधी ने ही हटाया था ताकि इंदिरा गांधी की संपत्ति उनके बच्चों को मिल सके। ये सब बातें भी तो खुलकर पब्लिक डोमेन में आ गई है, पहले ढके छुपे होता था, अब सब कुछ खुल के सामने आ गया है। देखिए पहले क्या होता था, प्रिंट मीडिया पे ही लोग डिपेंड करते थे सारा के सारा, और प्रिंट मीडिया ने जितना झूठ इस देश में फैलाया किसी और मीडिया ने नहीं फैलाया। मैं प्रिंट मीडिया में काम कर चुका हूँ, मुझे मालूम है कि प्रिंट मीडिया में कैसे डील होती रही, कैसे बड़े बड़े सूटकेस भर भर के चुनावों के टाइम आते रहे और खाली सूटकेस वापस जाते रहे। तो सबसे ज्यादा बर्बाद प्रिंट मीडिया ने किया है। प्रिंट मीडिया झूठी खबरें, झूठे विकास की खबरें और हमारे शो कॉल्ड महान प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी जी को महान बताते रहे। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक अपने स्मार्ट फोन है और सबकी जन्म कुंडली वो तत्काल निकाल लेता है। अब झूठ बहुत दिन तक चल नहीं सकता है, इनके साथ परेशानी ये हो गई है। ये कहते हैं कि गोदी मीडिया है, भाई मीडिया तो आपसे कुछ पूछता ही नहीं है। बेचारे पत्रकार को पता होता है कि ये सामने वाला झूठ बोल रहा है, पर वो पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता है। गोदी मीडिया होता तो आपको आक्रामक रूप से पूछता कि आप ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, आप इसको जस्टिफाई करें कि आप जो बोल रहे हैं सही है, ऐसा तो कोई पत्रकार बोलता ही नहीं। भाई अमेरिका और यूरोप में जो पत्रकार इतना ब्लंटली प्रधानमंत्री से या विपक्ष के नेता से प्रश्न पूछ लेते हैं, हमारे यहाँ कोई पूछता है क्या? और प्रधानमंत्री को जितनी गाली हमारे देश में दी जाती है, किसी और देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है क्या? आपने देखा कल अमेरिका में उसको लात घूंसे मार मार के कैमरा में इनको पटक दिया था पुलिस ने। यहाँ हो जाता तो अभी इंटरनेशनल मीडिया में और पूरे सोशल मीडिया पे ये खबर छा जाती, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्वेश्चन आ जाता। तो यहाँ जितनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है किसी और मुल्क में नहीं है, और इस पर रोक लगना चाहिए। मैं तो बहुत फेवर में हूँ। राहुल गांधी कितने फ्रस्ट्रेटेड है ये कल उनकी भाषा से समझ में आ रहा था। मोदी डर जाता है, मोदी तुम्हें उसके बाद की उम्र का है, शायद वो राजीव गांधी जिंदा होते तो उनको भी इसी भाषा में संबोधित करते। तो आदमी की भाषा जब वो गाली गलौज पे उतर आता है तो आप समझ जाइए कि उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास कोई तर्क नहीं बचे हैं, वो तर्कविहीन हो चुका है और आए बाएं शाएं बक रहा है। इसीलिए आप ये देखिए ना कि ये जो घोषणा पत्र है इसमें तो मीडिया के लिए भी एक चैप्टर है, 47 पन्नों का जो घोषणा पत्र है कांग्रेस, उसमें तो मीडिया के लिए भी लिखा गया कि उनकी फ्रीडम को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, हम आएंगे तो उनको आजाद कर देंगे वगैरह वगैरह, सारी बातें उसमें लिखी हुई है। इनका क्या मतलब है? जब यूपीए से पहले जब भी कांग्रेस की सरकारें रही है, सर आपने तो वो वक्त भी देखा है, उस वक्त मीडिया कितना फ्री था, सब जानते हैं वो अहमद पटेल क्या करते थे मीडिया के साथ। नहीं नहीं, और आपने देखा नहीं अभी भी वो उस मीडिया के कुछ जो शो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं मुख्यमंत्री के साथ बैठ के चिकन उड़ाते हैं और बाद में वो माइक लेके बसों में और उसमें घूमते हैं। वो सोचते हैं कि पब्लिक कह देगी कि इनकी गारंटी ज्यादा विश्वसनीय है बजाय मोदी की गारंटी की, और जब वो दिखाया जाता है तो कपड़े फाड़ने लगते हैं। अमेरिका में वो सज्जन जाते हैं, पब्लिक उनके विरोध करती है तो हाथापाई पे उतर आते हैं। तो ये किस तरह के पत्रकार थे, कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, ये लोगों को समझ जाना चाहिए कि जो पत्रकार की हैसियत से एक मुर्गा खाके किसी के फेवर में बोलने की हो, उन्होंने पत्रकारिता जीवन भर क्या की होगी। सर उनको तो पद्म भूषण भी उसी जमाने में मिले, पद्मश्री भी। देखिए पद्मश्री तो और भी दो कई लोगों को मिले हैं, पर उन्होंने पाला बदल लिया, उन्होंने वक्त को पहचान लिया कि वक्त हमारा नहीं है। उसमें से एक सज्जन को मैं जानता हूँ, वो बेचारे यूट्यूब भी चलाते हैं पर उनको 2 घंटे में 10 दर्शक भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि लोगों के सामने आप एक्सपोज हो चुके हैं कि आपका 2014 के पहले क्या स्टैंड था और 2014 के बाद आपने अपना स्टैंड कैसे चेंज किया। तो अब वो चलता नहीं है, अब चलते कौन है? हमारे जैसे अनाड़ी लोग, आप जैसे जमे जा, आपने अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़ के अपना किया क्योंकि आपकी मार्केट में साख है, आपकी विश्वसनीयता है, आपको बाहर से फंडिंग नहीं हो रही है, जो कुछ है आपका लोकल आपके उससे आप अपने रिसोर्सेस से चला रही है। ये जो 10-10 लाख मिलियन व्यूज मिल रहे हैं ये कहाँ से मिल रहे हैं? बाहर से पैसा आ रहा है।
भाई एक ग्रुप ने तो पूरा ठेका ले रखा है किसी भी तरह से कि मोदी को डाउन किया जाए। मैं कल टीवी देख रहा था तो वो सारे हिंदुओं की जाति गिना रहा है, रात को 8 बजे कोई उनका एक प्रोग्राम आता है, वो सारी जातियों का बिल्कुल पूरा दिखा रहा था, मुस्लिम की एक भी जाति नहीं गिना रहा था। क्यों भाई, हिंदू चुप बैठता इसलिए? अगर हिंदू भीड़ का हिस्सा बन जाए, हिंदू भी भीड़ लेकर सड़क पे आने लगे तो इन सबका क्या होगा? ये लोग सोचते कभी क्या बहुमत को दबाने की कोशिश करते हैं छोटे मोटे लालच में? तो कल से अगर ये बहुमत भड़क गया तो आप लोगों का क्या अंजाम होगा? सर राहुल गांधी ने तो घोषणा पत्र में कहा ही है कि बहुसंख्यकवाद इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यही तो है उस घोषणा पत्र में। बहुसंख्यकवाद का क्या मतलब हुआ? हिंदू मतलब आप मुस्लिमों का तुष्टिकरण जो करते आ रहे उसी को आप आगे चलाने वाले, अब हिंदू थोड़ी बर्दाश्त करने वाला है। अब हिंदू कतई भी किसी भी तरह का दोगलापन अपने साथ भेदभाव बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हिंदू बहुत सालों तक भाईचारा निभाता रहा है, अब वो चारा बनने को तैयार नहीं है, अब वो भाई बनने वाला है, ये पक्की बात है। 2024 के बाद हिंदू भाई बन के रहेगा और जिसको रहना वो चारा बन के रहेगा या वो भी भाई बन के रहेगा तो रहेगा। सर राहुल गांधी को 30 सीटें अगर आ जाएगी तो आप बहुत बड़ी बात मानना, 30 सीटें अगर राहुल गांधी की पार्टी को आ जाए। सर आपके आंकलन जो है ना वो बाकी सबसे अलग होते हैं और इसलिए विश्वसनीय होते क्योंकि आप ही थे जब छत्तीसगढ़ को लेकर आपने मुझसे बार बार कहा था कि अंजू बोलो कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी आएगी, लेकिन सबके आंकलन अलग थे, सर्वे सबके अलग थे, तो मैं भी हिचकिचा रही थी कि कैसे बोलूं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी आ रही है। आपने बार बार मुझसे कहा था कि बोलो छत्तीसगढ़ में बीजेपी आ रही है और जब नतीजे सामने आए थे तो मैं खुद हैरान रह गई थी कि सर ने तो मुझे कितने पहले कह दिया था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी आ रही है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की अगर 30 सीटें भी आ गई तो मान जाऊंगा, तो मैं इस आंकड़े पर यकीन कर सकती हूँ और मेरे दर्शक भी यकीन कर सकते हैं। देखिए मैंने 45 साल फील्ड में जूते घिसे हैं, एसी रूम में बैठ के कोई काम नहीं किया है, वो भले मैं कारपोरेट में रहा हूँ या एडिटोरियल वालों के साथ रहा हूँ, फील्ड में खुद जूते घिसे हैं, इसलिए मेरे पास नेटवर्क है। उस नेटवर्क का आदमी मुझे सीना ठोक के कहता है कि सर आप तो बोल दीजिए कि ये होने वाला है, तभी उनकी विश्वसनीयता पे मुझे पूरा विश्वास है, उनके परिश्रम पे पूरा विश्वास है और इसीलिए मैं बड़े खंत होकर के कहता हूं कि ये ऐसा परिणाम आएगा। सर अभी जब पहले दौर की वोटिंग हुई थी ना उसके बाद बहुत से लोगों ने कहना शुरू किया कि बीजेपी को जिन पन्ना प्रमुखों पर बड़ा नाज है कि बूथ लेवल पर जाकर मैनेजमेंट करते हैं वो तो बाहर ही नहीं निकले, इसीलिए वोट कम पड़ा और इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। तो आपसे जानना चाहती हूँ कि आरएसएस के जो लोग इस तरह से बूथ मैनेजमेंट करते हैं और लोगों को घरों से बाहर निकालते हैं कि वोट दें, क्या पहले दौर में वो वाकई नदारद थे या एक झूठा नैरेटिव घड़ा जा रहा है? नहीं, ये झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश के बारे में गढ़ा गया था कि आरएसएस नाराज है और बीजेपी यहाँ हार जाएगी, 90 सीटें भी आ जाए बीजेपी को तो बहुत मुश्किल होगी और बीजेपी 165 सीटें लेके आ गई थी, तो ये तो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है लोगों के दिमाग में भरने के लिए, भ्रमित करने के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आरएसएस बैकबोन है बीजेपी की, ये मान के चले आप, और ये आरएसएस वाले कभी बैकअप नहीं करेंगे बीजेपी के साथ में, वो भले ही सत्ता को मैं कोई पद स्वीकार नहीं करते हैं पर ग्रास रूट लेवल पे पूरा परिश्रम वो लोग करते हैं और बहुत अच्छे से निकले हैं। किस तरह से निकले वो मैंने देखा है, 3 दिन से मैं भी घूम रहा हूँ, मैंने देखा है कि कितना परिश्रम फील्ड में हो रहा है। मैं फिर से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तरफ ही जा रही हूँ, तब भी मेरी आपसे बात हुई थी और आपने मुझे बताया था कि कैसे जिस पॉश इलाके में आप रहते हैं वहां पर लोग सुबह 7 बजे ही कतारों में खड़े हो गए थे वोट देने के लिए, तब भी ये असमंजस बना हुआ था कि पता नहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी आएगी या नहीं आएगी, याद होगा आपको, तब आपने मुझसे कहा था कि नहीं, मैंने पहली बार देखा है कि पॉश इलाके के लोग इतनी सुबह घरों से बाहर निकले वोट डालने के लिए। भाई अभी सोसाइटियों में मीटिंग हो रही है, सोसाइटी के लोग अपने सोसाइटी के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपको वोट देने जाना है, लोगों ने कह दिया आपके पास व्हीकल नहीं है आप हमारी व्हीकल में चलना, पूल बना के हम लोग चलेंगे, ये हर एरिया में मीटिंग हो रही है, सब जगह पूरी मीटिंग हो रही है।
अब देखिए भोपाल में 55-45% का रेशो है हिंदू और मुसलमान का, और मैं चलिए मैंने मान लिया कि मुसलमान ने 100% वोटिंग करी है, मुसलमान कितने हैं हिंदुस्तान में 20%, हिंदू कितने हैं 80%, अगर 50% हिंदू ने वोट किया तो कितने परसेंट वोट हो गए, 40 करोड़ वोट पड़ गए, 97 में से कितने परसेंट मुस्लिम है, आप 20% के पकड़ के चले कि 20% मुसलमान है और 80% हिंदू है, पूरे के पूरे 20% मुसलमान वोट देने आ गए और 50% हिंदू वोट देने आ गए, कौन जीतेगा? पर सर आप सही कह रहे हैं कि 50% हिंदू अगर आते, लेकिन सबसे दिक्कत की बात है कि इन्हीं हिंदुओं में वो सेकुलर जमात भी है जिसको सेकुलर कीड़ा काटा हुआ है, जिनको अपने ही देवी देवताओं को या अपने ही हिंदुइज्म को गाली देकर सेकुलरिज्म का चोला पहनने की आदत है। दिक्कत तो ये है हिंदू एकमुष्ट हो नहीं पाते और ये जो 20 करोड़ है ये एकजुट हो जाते। नहीं अब 20 करोड़ में भी अब एकजुटता नहीं बची है, आपको ये बता दूं ऑन द कैमरा वो भले ही कुछ कहती हो महिलाएं, आपका कैमरा वो कबूल करती है कि मोदी है तो हम लोग सुरक्षित हैं, हमें सम्मान मिला है, तो आपका कैमरा की अगर आप बात करें तो मुसलमानों में भी फूट है, उसका परिणाम आप 4 जून का आपको देखने को मिलेगा, और हिंदुओं में जो सेकुलर का कीड़ा काटा था आप देख रहे हैं धीरे धीरे उस कीड़े का जहर सब पे से उतर रहा है, कांग्रेस से छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं। चलिए सारी बातें हटा दीजिए कि बीजेपी हार रही, एक बात मुझे बताइए अगर कोई टीम मजबूत है तो उसका खिलाड़ी टीम छोड़ के क्यों भागेगा, आईपीएल में नीलामी होती है ना, बहुत सीधी बात है। वो लोग जो कहते हैं कि साहब मोदी जी हरेक को ले रहे हैं पार्टी में, तुम कचाना की नीति पढ़ ले, मैकियावेली पढ़ ले पॉलिटिक्स का, साफ साफ कहा है कि दुश्मन के खेमे में भगदड़ मच जानी चाहिए, दुश्मन का हर आदमी तोड़ दो, 100 सैनिक है 20 सैनिक आपके पास आ गए तो उसकी 20 सैनिक की स्ट्रेंथ कम हो गई। हार्दिक पटेल को इन लोगों ने उठाया था, तब लोगों ने भारी विरोध किया था कि मोदी को क्या क्या दिया था, आज हार्दिक पटेल कहाँ है कोई पूछता है, ना वो वीआईपी लिस्ट में है, ना उनको कोई प्लेन दिया गया है, ना कोई हेलीकॉप्टर दिया गया है। लोग मोदी और शाह की पॉलिटिक्स नहीं समझते हैं, आज भी वो 90 के दशक की पॉलिटिक्स में बात करते हैं, 90 का दशक गए हुए 34 साल हो गए हैं, वो 34 साल पुरानी सोच से चलते हैं और मोदी और ये चल रहे हैं 2047 की सोच से, तो उनकी सोच से ये कितने आगे की सोच रखते हैं ये इन लोगों को समझना चाहिए। सर वायनाड में चुनाव होने के बाद तो ये माना जा रहा है कि आएंगे रायबरेली की तरफ, अमेठी की तरफ राहुल गांधी, और फिर खबरें ये आ रही है कि दोनों भाई बहन राम मंदिर भी जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए, ये क्या हो रहा है, या ये माना जाए कि चुनावी मौसम में ये मंदिर मंदिर भटकते हैं वैसी एक्सरसाइज दोबारा करने जा रहे हैं? नहीं देखिए ये श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी के मठ में गए थे, वहां से मेरे एक मतलब वेल विशर है, उन्होंने मुझे पूरा ऑडियो भेजा था, वो कन्नड़ पेपर की कटिंग भेजी थी, ये आशीर्वाद लेने गए थे तो श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य ने कहा है आप आए हैं मैं आपको भगाऊंगा नहीं क्योंकि हमारे यहाँ अतिथि का अपमान नहीं करते हैं, पर अगर आप मुझसे आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं तो भूल जाइए कि मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। आज जो सनातन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं और जो हिंदुओं के लिए आपने प्लान बना रखे हैं उसके चलते मैं आपको आशीर्वाद। इतना कह के उन्होंने हाथ जोड़ के उनको विदा कर दिया, ये आपने कहीं मैंने स्ट्रीम मीडिया में सुनी है खबर? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं आपको ऑडियो भेज दूंगा, आपको पेपर कटिंग भेज दूंगा, क्यों नहीं चलाते हैं ये लोग? आप मेन स्ट्रीम मीडिया भी बहुत एजेंडा लेके चल रहा है, और जो अपने आप को बड़ा नंबर वन बोलते हैं या जो कहते हैं कि हम शोर नहीं मचाते हैं बड़े आराम से खबरें सुनाते हैं, सबके अपने एजेंडे हैं। पहले केजरीवाल से खूब पैसा मिलता था तो खूब गुनगान गाए, जब केजरीवाल अंदर चले गए तो एकदम पलटी मार ली। कोशिश अभी भी देखिए इनकी मैं बहसें सुनता हूँ, बहस में बड़े सो कॉल्ड राष्ट्रवादी पत्रकार आ जाते हैं जो यूट्यूब भी चलाते हैं और बड़े भारी राष्ट्रवादी अपने आप को बोलते हैं, वो भी पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते हैं, साफ बोलने से वो भी डरते हैं,
एक दो पत्रकार हैं जो बोलने की कोशिश करते हैं पर वो एंकर उनको रोक देता है। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया की हालत है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया का तो मेरे ख्याल से मैंने 6 महीने से टीवी चैनल देखना छोड़ दिया है और पेपर पढ़ना बंद कर दिया है क्योंकि कुछ नहीं आता है। आज जो जानना चाहते हैं खबरें, जो विकास की खबरें आप जानना चाहते हैं वो कहीं नहीं आती। कहा मुसलमान की लिंचिंग हुई है, कहा क्या हुआ, वही खबरें आपको मिलेंगी। मोदी विरोध की खबरें मिलेगी। 3 करोड़ मकान बन गए, किसी एक का मकान नहीं बना तो उसको हाईलाइट करके दिखाएंगे कि देखिए मोदी जी जो कह रहे हैं 3 करोड़ को दिला दिया और इसका नहीं मिला मकान। तो ये इस तरह के नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, इनके उसमें मत जाइए। और आप निश्चित होके बैठे कि 330 सीटों से तो ऊपर ही आने वाली है, कम नहीं आने वाली। अमेठी से राहुल चुनाव लड़ेंगे लगता है? डर रहा है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। पर जीजा जी भी आना चाहते हैं अमेठी से, वो भी मैंने देखा कि मंदिर मंदिर भटक रहे हैं आजकल, वो भी हिंदू बने फिर रहे। देखिए मुझे तो ये लग रहा है कि 4 जून के बाद ऐसा ना हो कांग्रेस में दो फाड़ हो जाए, पप्पू और पिंकी की दो गैंग बन जाए, उसकी संभावना मुझे ज्यादा लग रही है। क्योंकि पॉलिटिकल एम्बिशन प्रियंका का बहुत पहले से है और अब रॉबर्ट वाड्रा का भी जाग गया है। पुत्र मोह में सोनिया गांधी बहुत दिनों तक दबाती रही, अब सोनिया की भी चलती नहीं है। देखिए ये हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर ये हारी हुई लड़ाई नहीं लड़ते तो सोनिया गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ना था। वैसे भी वो पिछले 5 साल से वो कहीं रायबरेली तो गई नहीं थी, अभी भी नहीं जाती, पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव, उनको वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ना था। राज्यसभा में जाने का मतलब यही है कि उनको डर था कि मैं वहां से हार जाऊंगी। फॉर द नेम सेक ये लड़ने जाएंगे और हार के आएंगे, ये पक्की बात है सर। एक तो 4 जून के बाद जो भी तस्वीर आएगी उसके बाद तो ये ईवीएम का रोना भी नहीं रो पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो तगड़ा झटका दिया है आज, सीधे सीधे कह दिया अगर रोना ही रोना होगा तो प्लीज उसकी जांच पड़ताल करवा लेना, पैसा खर्च कर लेना। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा चांटा मारा है कि इनको जो 70 साल में चोट नहीं पहुंचेगी वो चोट पहुंची। जो ये एजेंडा चलाते थे, कई न्यूज चैनलों ने भी बहुत कोशिश करी कि वहां पैसा हो गया वैसा हो गया, वीवीपैट में बहुत सारा बेचारी को मतलब बदनाम किया गया, मुन्नी से ज्यादा तो ईवीएम बदनाम हो गई थी, वो किससे चलने लगे थे। तो अब ईवीएम का तो किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। और उन्होंने सही कहा कि किसी दूसरे और तीसरे नंबर के उम्मीदवार को लगता है कि भाई ईवीएम से छेड़खानी हुई है, पैसे जमा कराइए और जांच करा लीजिए, देखते हैं कितने लोग पैसे जमा के जांच करवाते हैं। अब वो डी राजा कह रहे हैं कि नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट से भी कहीं गड़बड़ हुआ है, हमको तो 100% वो चाहिए। मतलब आप अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहते हैं। स्वीकार कर लीजिए कि पब्लिक की नब्ज आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, पब्लिक की सोच क्या है आप उस सोच तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपकी सोच अभी भी पुरातन है और ये नया भारत है, नए भारत के हिसाब से आप सोच नहीं पा रहे हैं। सर दूसरे दौर के बाद आपको क्या लग रहा है, अब क्या एजेंडा चलाएगा विपक्ष, क्योंकि पहले दौर के बाद पहले दौर में चले गए मोदी जी, मोदी तो गयो ये हैशटैग भी ट्रेंड करवाया इन लोगों ने, तो आज जिस तरह से वोट प्रतिशत रहा है अभी तक उसको देखकर क्या होगा अब इनका हाल? इनका हाल तो वही कहेंगे कि नहीं इसमें और बुरा हाल हो गया, वो तो हैशटैग चलेगा कोई ना कोई नया, और यूट्यूबर्स के पास पैसा भी पहुंच गया होगा कई लोगों के पास कि ये चलाना है अपने को, और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे एक एक फेस के चुनाव निपटते जाएंगे इनको समझ में आता जाएगा कि वी आर नो वेयर इन द रेस। जैसे पहले दिन से इनको पता है कि हम रेस में कहीं नहीं है, एक नैरेटिव फॉल्स क्रिएट किया जाए कि कहीं पब्लिक भ्रमित हो जाए कुछ हो जाए, तो अब वो बात रही नहीं है। जो एक जो जुमला मतलब नारा मोदी ने दिया है मोदी की गारंटी, उस पर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, गांधी परिवार की गारंटी पे कोई विश्वास करने को तैयार नहीं। सर केजरीवाल तो ऐसा लग रहा है कि पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान तिहाड़ में ही रहेंगे अपना इंसुलिन लेते हुए। बिल्कुल 100% बाहर आने का कोई चांस नहीं है। आज भी मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। तो आप जब मनीष सिसोदिया को नहीं, मुझे तो एक हंसी आती थी कि 15 लोग पहले से अंदर हैं और मीडिया शोर मचाया है कि आज सुप्रीम कोर्ट से इसको जमानत मिल जाएगी, आज ये हो जाएगा,
भाई कुछ तो पढ़ा लिखा करो यार, जब ईडी ने केस दायर किया है और जो 15 लोग पहले से अंदर है, 6-6 महीने से सड़ रहे हैं जेल में, वो केजरीवाल छूट जाएगा? केजरीवाल में क्या सुरखात के पर लगे हैं? आप नैरेटिव क्रिएट करने का काम ये मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह से करता है कि मतलब कभी शर्म आती है कि हम लोग कभी इस मीडिया में काम करते थे। कोई एडिटोरियल सेंस नहीं है। सलमान पे गोली चल गई, 2 दिन तक सलमान पे गोली चल गई। भाई सलमान कौन है? एक नशैया गवैया ही तो है, इससे ज्यादा उसकी क्या हैसियत है? मुख्तार अंसारी पे 3 दिन तक स्यापा करते रहे बैठ के, जैसे बहुत महान हस्ती मर गई हो। आप क्राइम को क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं भाई? मोदी जी जिनको पद्मश्री दिलाते हैं, कभी आपने उनके कामों की जाके खोज किए? इसको पद्मश्री मिली है तो इसका काम दिखाते हैं पब्लिक को? नहीं दिखाएंगे आप, क्योंकि आपको, आपके दिमाग में अभी भी अंग्रेजियत भरी हुई है। आपको जो ग्रामीण है ना भारतीय, उसको से अभी भी आप है दृष्टि से देखते हैं कि मेरे कपड़े पहना हुआ है, टोपी लगाता है, बीड़ी फूंकता है, और हम तो शाम को बैठ के स्कॉच पीते हैं, इसका क्या स्टैंडर्ड है? ये इस माइंड सेटअप से अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया बाहर नहीं आ पाया है। और मेन स्ट्रीम मीडिया आप देख रहे हैं, धीरे धीरे सारी चैनलें सिकुड़ती जा रही हैं। बड़े बड़े धुरंधर चैनल लेके आए और धीरे धीरे ताले लगते जा रहे हैं। अपनी विश्वसनीयता प्रिंट मीडिया भी खो चुका है और मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी खो चुका है। सर ये सभी लोग देखिएगा, अभी शाम को जब इनके डिबेट शुरू होंगे तो फिर यही राग अलापेंगे कि अरे इतनी प्रतिशत हुई, इसका क्या मतलब है? और कहीं ना कहीं यही कहा जाएगा कि देखिए दूसरे राउंड में भी बीजेपी बहुत पिछड़ती दिख रही है, और विपक्ष जो कायदे से जमीन पर कहीं नहीं है, पहले तो उनमें आपस में ही नहीं बन रही है सर। अगर वो एकजुट थे तो उनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कोई घोषणा पत्र तो आना चाहिए था कि हम अगर आगे तो हम ये करेंगे, वो तक तय नहीं है। कांग्रेस की अलग डफली है, अपना राग है, समाजवादी पार्टी अलग है, ममता बनर्जी का तो पूछे ही मत। तो कहने का मतलब ये कि पूरा तो विपक्ष बिखरा हुआ है, लेकिन चलिए दूसरे दौर में अभी तक जो 60% के आसपास मतदान दिख रहा है वो और भी बढ़ेगा, और बीजेपी के लिए इस जो सेकंड फेज है इसमें ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है, तो बीजेपी के खेमे के लिए तो अच्छी खबर है, एनडीए के लिए अच्छी खबर है, लेकिन विपक्षियों के लिए तो सदमे वाली बात है ही। पर आपने जिस तरह का आंकलन किया, जिस तरह से इस मामले पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, रविंदर जी आपने मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।